हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। तो आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में कोलैबोरेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ट्यूटोरियल या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में टेस्ट कैसे लेते हैं, अटेंडेंस कैसे लेते हैं, वेबिनार कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वाइट बोर्ड से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, अगर ये सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है और आपको इसमें अच्छे से समझाया गया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की कोलैबोरेशन के बारे में। सबसे पहले आप कोलैबोरेशन से क्या समझते हैं? कोलैब करना किसी के साथ मतलब है कि अगर एक टीचर ने कोई फॉर्म बनाया या कोई क्विज बनाई तो वो दूसरे टीचर के साथ कोलैब कर सकती है और दूसरा टीचर भी उस फॉर्म या उस क्विज को यूज कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लीजिए एक नेहा मैम है जो 9th और 10th में इंग्लिश पढ़ाती हैं और ऐसे ही पूजा मैम है वो भी 9th और 10th में इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो पूजा मैम बोलती है मैं 10th का पेपर रेडी कर लेती हूँ और नेहा मैम बोलती है मैं 9th का पेपर रेडी कर लेती हूँ। तो फिर जो है हम आपस में फॉर्म को क्या कर लेंगे, कोलैब कर लेंगे या क्विज को कोलैब कर लेंगे। तो मेरे जो सेक्शन है 9th के वो आपका 9th का एग्ज़ाम दे लेंगे और 10th वाले जो हैं वो मैं जो क्वेश्चन पेपर बनाऊँगी वो यूज़ कर लेंगे। तो पूजा मैम ने जो 10th का पेपर डिज़ाइन किया था वो नेहा मैम भी अपने 10th के सेक्शंस के लिए यूज़ कर सकती हैं और जो नेहा मैम ने 9th का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया था वो पूजा मैम अपने सेक्शंस के लिए यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेशन के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कोलैबोरेशन वाला लिंक आप किसी को भी सेंड करोगे तो वो आपके फॉर्म या क्विज को एडिट कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे अगर क्लास टीचर ने बोला कि मैं जो है सारे एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट करवाऊँगी, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो फॉर्म है या टेस्ट है मुझे भेज दीजिए या मेरे साथ कोलैबोरेशन वाला लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए और मैं अपनी क्लास के इंडिविजुअल एग्ज़ाम करवाऊँगी ताकि सारा कंबाइंड जो रिज़ल्ट है मेरी क्लास का मेरे पास रहे, तो ये भी पॉसिबल है कोलैबोरेशन वाले लिंक से। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की विंडो है। यहाँ पर सपोज मैंने कोई क्विज डिज़ाइन की हुई है तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स जो है ओपन कर लिया और यहाँ पर सपोज मैंने कोई फॉर्म बनाया हुआ है। अब पूरा फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद, देखो फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे टेस्ट लेते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है हाउ टू टेक टेस्ट तो वो वाली वीडियो आप देखें। तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ कि जब आपने पूरा टेस्ट बना लिया और फिर शेयर वाले ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपके पास जो है 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन कौन से हैं कि अगर आप ये वाला लिंक किसी के साथ शेयर करते हैं सेंड एंड कलेक्ट रिस्पॉन्सेज, तो इसका मतलब है ये वाला लिंक जो है ना हम अगर बच्चों के पास भेजेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा और अपना टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम शेयर एज अ टेम्पलेट करते हैं तो ये वाला लिंक जो है जिस किसी के भी पास जाएगा वो इसको इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। ठीक है, और लास्ट में जो लिंक है वो क्या है, शेयर टू कोलैबोरेट, मतलब जिस किसी के पास भी ये लिंक जाएगा वो इसको देख भी सकता है और एडिट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ऑप्शंस आएंगे, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप जो है किसके साथ ये कोलैबोरेट करना चाहते हो। पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में तो बच्चे भी हैं और टीचर भी हैं तो हम ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक पीपल मतलब जिसको मैं चाहूँ सिर्फ उसी के साथ ये फॉर्म कोलैबोरेट कर सकती हूँ, बाकी लोग इसको एडिट ना कर पाए, तो मैं स्पेसिफिक पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जिस भी बंदे के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहती हूँ उसका नाम लिख सकती हूँ।
तो जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, ये नाम हो गया, इसको मैंने ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है मैंने इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है मैंने इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर दिया। कोलैबोरेट का मतलब तो समझ गए ना कि मैंने जिसके साथ ये कोलैबोरेट किया है, अपनी दूसरी ही इंग्लिश टीचर के साथ मैंने ये कोलैबोरेट किया है कि अगर मैं 9th के ABC पढ़ा रही हूँ और वो DEF पढ़ा रही है, तो दोनों का सेम टाइम पे पेपर हो और एक ही पेपर हम बनाए 9th का, तो ये इसका फायदा है। अब जैसे ही मैंने इन मैम के साथ ये फॉर्म कोलैबोरेट किया, इनको कहाँ पर दिखाई देगा ये फॉर्म, मैं बताती हूँ। आपकी जो फॉर्म्स वाली विंडो है ना, इसमें शेयर्ड विद मी में आपको जो है ये कोलैबोरेशन वाला फॉर्म, मतलब जिस पर्सन के साथ मैंने कोलैबोरेट किया है उसको शेयर्ड विद मी में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में शेयर्ड विद मी में ये फॉर्म दिखाई देगा। और यहाँ से ये जो ऊपर राइट हैंड साइड में ऑप्शंस हैं, यहाँ से वो उसको कॉपी कर सकती हैं। और जैसे ही वो कॉपी करेंगी वो उनके माय फॉर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो बहुत इजी हो गया कि यहाँ पर जो है जो फॉर्म उन मैम ने मेरे साथ शेयर किया था वो मेरे को माय फॉर्म्स में दिखने लगा, और अब मैं इजीली इस टेस्ट को अपनी टीम में प्लेस कर सकती हूँ। तो वो मैंने आपको सिखाया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। टीम्स में मैंने असाइनमेंट ओपन किया, असाइनमेंट के बाद क्लास चूज करी, देन नेक्स्ट, और उसके बाद क्रिएट, और क्रिएट में अगर मैं क्विज सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो फॉर्म जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मैं उसको क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ, देन नेक्स्ट, और अब वो फॉर्म आ गया और अब मैं स्टूडेंट्स को उसको असाइन कर सकती हूँ। और कैसे असाइन करना है वो लास्ट वीडियो में जाके देखें, हाउ टू टेक अ टेस्ट। तो आप समझ गए कि कोलैबोरेशन का क्या फायदा हुआ, कि मुझे दो पेपर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब्जेक्टिव टीचर्स आपस में पेपर एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल टीचर, क्लास टीचर को ही अगर सारे एग्जाम करवाने हैं तो वो करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, एक और बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि जब आप ये टेस्ट डिजाइन कर देते हो, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बच्चों को एक्टिविटी टैब में दिखाई देगा उसी टाइम पर, लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलने लगते हैं कि मैम हमको टेस्ट नहीं दिख रहा, टेस्ट नहीं दिख रहा। तो आप क्या करते हो, फॉर्म का ये वाला जो लिंक है ये उनको कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज देते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपके जो बच्चे हैं जो लिंक से आपका पेपर करेंगे, इस लिंक से आपका पेपर करेंगे, उनका रिजल्ट फॉर्म में आएगा, और जो बच्चे एक्टिविटी टैब से असाइनमेंट करेंगे उनका रिजल्ट टीम्स में आएगा। तो फिर आपको दोनों रिजल्ट जो है क्या करने पड़ेंगे, कंबाइन करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किसने जो है पेपर दिया है और किसने नहीं दिया है। तो ये दिक्कत आपके साथ आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि अगर बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं आ रहा है, तो उनको बोलो कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, लेकिन टेस्ट जो है वो एक्टिविटी टैब में जरूर आएगा। तो होपफुली आपको सारा प्रोसीजर जो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे चैनल का, टीचर्स का, स्कूल टीचर्स का, जिसमें आप अपनी कोई भी क्वेरी प्लेस कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए देखते रहें स्किल बुक को। धन्यवाद।